दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन सकते थे या फिर पूछे जा चुके हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर जो आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। इसमें आपको कुल 35 सोल्ड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलता है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। केवल और केवल 93 रुपीज़ इसकी कीमत है। घर बैठे आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए भी आप इस लिंक पर जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मानव रक्त में बड़ी मात्रा में मौजूद शर्करा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त में बड़ी मात्रा में मौजूद शर्करा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ब्लड। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त शर्करा को सामान्यतः ग्लूकोज ही कहा जाता है क्योंकि रक्त में ज़्यादातर शर्करा के रूप में ग्लूकोज ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है या फिर सर्वाधिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर रेसिपिएंट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी AB। AB ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ग्रुप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, लसिका प्रणाली के कार्य में शामिल है, व्हाट इंक्लूड्स इन लिम्प। लसिका प्रणाली के कार्य में शामिल है, व्हाट इंक्लूड्स इन लिम्प। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रतिरक्षा, यानी जो आपकी प्रतिरक्षा होती है लसिका लिम्प में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट करके संक्रमण से मनुष्य की रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सी कोशिकाएं रक्त को जमने में मदद करती हैं। कौन सी कोशिकाएं रक्त को जमने में मदद करती हैं, विच सेल्फ हेल्प्स इन फ्रीज फूड ब्लड। विच सेल्स हेल्प्स इन फ्रीजिंग ब्लड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं और दोस्तों जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमने में सहायक होते हैं। थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा जो आपके प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको स्रावित करते हैं और जिसमें से मुख्यतः दोस्तों रुधिर के जमने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फ्रीजिंग। प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फ्रीजिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए फ्रीबोनियोजन। फ्रीबोनियोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रक्त में एक प्रोटीन फ्रीबोनियोजन उपस्थित होता है रक्त का थक्का जमने में, जो कि सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बायोसेंसरों का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। बायोसेंसर्स आर यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोसेंसरों का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। बायोसेंसर्स आर यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका रक्त शर्करा, यानी जो हमारी ब्लड शुगर होती है उसे मापने के लिए बायोसेंसर का प्रयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों जो बायोसेंसर है एक यंत्र है जिसके द्वारा रक्त में शर्करा का पता चलना, नदी के जल में प्रदूषकों यानी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिनी रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट। विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट। कौन सी रक्त वाहिनी रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धमनी, यानी जो आर्टरीज होती हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर होता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड इज। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है
डी होगा दोस्तों 180 से लेके 200 एमजी परसेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक जरूरी संघटक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु को हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक जरूरी संघटक माना जाता है? विच मेटल इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन? ऑप्शन नंबर ए आयरन यानी लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, जब हमारे शरीर में लोहे की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का स्तर भी जो है डिक्रीज होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो आयरन यानी लोह तत्व होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक समूह दाता समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता समूह कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए दोस्तों, आपको बताना है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इसका जो राइट आंसर है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है दोस्तों, इसे हम यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता समूह भी कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो ओ ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, इसे हम सर्वाधिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जो ए भी होता है उसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग? हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, तीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेंढक के दिल में तीन कक्ष होते हैं, दो अट्रियम और एक वेंट्रल होता है। अट्रियम सिराओं से डी ऑक्सीजनेटेड रक्त प्राप्त करता है तथा वहीं उसे शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। बायां अट्रियम फेफड़ों और त्वचा से ऑक्सीजनेटेड रक्त प्राप्त करता है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि जो लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका लाइफ टाइम आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उनकी जो लाइफ होती है वो केवल और केवल 120 दिनों की होती है दोस्तों। इन्हें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स बी का कहते हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस? निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है? विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा यानी पट्टीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा या फिर पट्टीकरण। दोस्तों रक्त का 55% भाग जो कि हल्के पीले रंग का होता है, यह रक्त में घुले हुए पदार्थ जैसे हार्मोन, अमीनो एसिड, यूरिया इत्यादि को पूरे शरीर में परिवहित करता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है? विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है? तो ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी आर्टरीज का राइट आंसर हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। धमनी पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य सिराएं करती है दोस्तों। बाएं अलिद में फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से रक्त और बाएं अलिद में ले जाती है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक औसत वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है? एक औसत वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एक औसत वयस्क आदमी में। लेकिन दोस्तों जो स्त्रियां होती हैं, लेडीज होती हैं, उनमें 5 से 6 लीटर का 20 से 25% कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एकल परिसंचरण हृदय पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है
सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल मछली में जो है एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दोस्तों जो मछली के हृदय होती है केवल दो कोष्ठ होते हैं, यहाँ जो है इसमें जो है रुधिर क्लोएम में भेजा जाता है जहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर सीधा जो है शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, केवल मछलियों में ही सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डेथ हाउस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। निम्नलिखित में से किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द डेथ हाउस ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है आप सभी ने बिल्कुल राइट जो है कमेंट किया है। इसका राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, प्लीहा जिसे स्प्लीन कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्लीहा जिसे स्प्लीन कहा जाता है इसका सही उत्तर होगा। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी विहीनहीन ग्रंथि यानी डक्टलेस ग्लैंड है, इसे लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स के विघटन के कारण यहाँ लोह की मात्रा अधिक होती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, प्लीहा में लोह की मात्रा जो है अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं, टिश्यूज डेट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आप सभी को पता है, जो उत्तक होते हैं वो पौधों में जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, पानी का परिवहन करते हैं, तो इन्हें हम जो है जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप यानी पौधों में दोस्तों जाइलम उत्तक के जो है जल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जड़ों से जल को जो है सभी पेड़ के हिस्सों में पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये थे इस टॉपिक यानी परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कई क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं जो है क्वेश्चन में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी का आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों नेवी MR के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर से चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, आपके लिए ही फायदेमंद है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद जय भारत।